नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको सब एक्यूट थायरोडाइटिस, या इसको हम बोलते हैं डीकरेंट थायरोडाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कैसे पहचाने और इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, अगर आपको भी ऐसा सिम्टम है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, तो डी केरवेन थायरोडाइटिस, इसमें ये रहेगा कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, वायरल इन्फेक्शन, खांसी जुकाम हुई थी, उसके बाद आपको गले में सूजन हुई और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये साइज बढ़ गया। ठीक है, और दर्द भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डी केरवेन थायरोडाइटिस। ठीक है, या सब एक्यूट थायरोडाइटिस या ग्रेन्युलोमेटस थायरोडाइटिस। अब इसमें क्या होगा, हाथ कांपेंगे, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सर भारी भी हो सकता है, पसीना आएगा, पाल्पिटेशंस। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होंगे। अब इसके बाद हम बात करें कि और क्या होगा, गले में दर्द होगा, ये ग्लैंड सूज जाएगी, पेन होगा। तो इसमें आप देखेंगे, जब आप थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, ऐसा अगर आप केस देखते हैं तो थायराइड प्रोफाइल में क्या आएगा, TSH आपका लो रहेगा, T3 T4 हाई रहेगा। तो ये आपको हाइपर थायरोडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे पिक्चर्स आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, अब हाथ कांपना, शेक होना, ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या करा सकते हैं, इसमें आप एक सोनोग्राफी भी करा सकते हो। ठीक है, बायोप्सी भी हो सकती है, FNAC वगैरह। उसके अलावा थायराइड प्रोफाइल हो गई, फिर क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि भाई वायरल इन्फेक्शन था उसके बाद ये हुआ। तो अब इसमें मेजर मिस्टेक क्या होती है, कई बार फॉल्सली हाइपर थायरॉइड की दवाई दे दी जाती है, तो इसमें हाइपर थायरॉइड का मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि जो इसमें थायराइड है वो एक्चुअल में तो नॉर्मल है, पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन के कारण आपके ब्लड में जो थायराइड घूमेगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए TSH लेवल कम होता है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट, इसलिए एंटी थायरॉइड मेडिसिन नहीं देना है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, कुछ हफ्तों में ये नॉर्मल यूथायरॉइड में हो जाएगी सिचुएशन चेंज, मतलब अब थायरॉइड प्रोफाइल आप कराएंगे तो नॉर्मल दिखाएगी, कोई चेंजेस नहीं। फिर कुछ महीनों में अगर आप कराएंगे तो ये हाइपोथायरॉइडिज्म जैसी वाली चीज में चला जाता है, हाइपोथायरॉइड, और कुछ ही महीनों में, 6 महीने में, 4 महीने में अपने आप ये लाइफ लॉन्ग जड़ से, जिसे बोलते हैं ना, ठीक हो गया आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो 96% केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, ये है इसमें थायरोडाइटिस का। अब बात चलती है कि भाई इसको ट्रीट कैसे करें, क्योंकि सिम्टम्स तो सारे हाइपर थायरॉइड वाले मिमिक कर रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या है। देखो, इन माइल्ड केसेस हम पेन किलर दे सकते हैं, एनएसआइड्स पेशेंट को। ठीक है, ताकि स्वेलिंग वगैरह कम हो। अगर आपको पाल्पिटेशन वगैरह ज्यादा है, हाइपर थायरॉइड जैसे सिम्टम्स मिमिक कर रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा अब जैसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो कुछ केसेस में हम रिजर्व रखते हैं ड्रग्स लाइक स्टीरॉयड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन में पैनिक होने का जरूरत नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, एक होता है थायरोडाइटिस ऑटोइम्यून, तो ये वायरल बोल दो, या एक ऑटोइम्यून। तो ऑटोइम्यून या हाशिमोटो थायरोडाइटिस, उसमें इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वो पेनलेस होता है, उसमें थायराइड की जो गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता, इसमें दर्द होता है। ठीक है, तो मेन ये है, वो ऑटोइम्यून होता है, ये वायरल इंफेक्शन से होता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर आज के वीडियो में मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, समझदारी रखें। ठीक है, और इसकी नॉलेज होना जरूरी है। अगर कोई भी डिजीज आपको है तो उसके लिए लाइफस्टाइल, डाइट और डिजीज का नॉलेज, ये तीन चीजें आपको हेल्प करती है डिजीज से फाइट करने में। पैनिक नहीं होना है, ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। और जो चीजें मैंने बताई है उसके बाहर भी ट्रीटमेंट होता है, कुछ और भी मेडिसिन दी जाती है जिससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।